नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी। स्वागत है आप सभी का हकीकत आप तक में। पर्यावरण की शुद्धता तथा सुरक्षा के लिए हम कितने ही कार्य करते हैं, जैसे अपने आसपास की जगह की साफ सफाई करते रहना, बेवजह कूड़ा ना फैलाना, वृक्ष लगाना आदि। इसी कड़ी में आज रोहिणी सेक्टर 3 के वार्ड नंबर 53 में निगम पार्षद के सुपुत्र नीरज अनेश जैन के सानिध्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला, दलबीर माथुर तथा अन्य कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पार्क में 11 वृक्ष लगाए गए। देखिए, जब हमारी संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। वृक्षारोपण कार्यक्रम हमारे जनसंघ के संस्थापक, महान चिंतक, शिक्षक और प्रखर राष्ट्रवादी श्रीमान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के शहीदी दिवस आज से लेकर के 23 जून से 6 जुलाई को उनका जन्मदिन है। ये लगभग इस बीच में 13-14 दिन आ रहे हैं। हमने दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी की नेतृत्व में और संगठन मंत्री श्रीमान सिद्धार्थ जी के मार्गदर्शन में और अपने क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान हंसराज हंस जी के संयोजन में हम जो है लगातार जो दिल्ली में 5 लाख वृक्ष लगाए जा रहे हैं, तो लगभग हमारे ज़िले में, बाहरी दिल्ली ज़िले में लगभग 35,000 के करीब वृक्ष लगाए जाएंगे 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक। तो अभी तक फिलहाल कहाँ कहाँ पर लगाए जा रहे हैं? अभी आज से शुरुआत है हमारी जी। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी ने राष्ट्रीय कार्यालय के सामने लगाया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने शहीदी पार्क ITO पे लगाया है, उसके बाद हमने यह कार्यक्रम अपने शुरू कर दिए हैं। अब हमारे मंडलों में प्रत्येक बूथ पर वृक्ष लगाने की योजना है। आज सबसे पहले तो मैं अपने जिला अध्यक्ष जी का धन्यवाद करूंगा। पूरी दिल्ली के अंदर 5 लाख पौधे लगने हैं हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहीदी दिवस पे। इतना बड़ा जिला होने के बाद, 1500 बूथ होने के बाद जिला अध्यक्ष जी ने हमारे वार्ड में ये प्रोग्राम दिया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनको विश्वास दिलाता हूँ। जो आज इन्होंने 11 पौधे हमारे वार्ड में लगाए हैं, इनका हम बिल्कुल, जो इन्होंने कही है एक एक पालक होना चाहिए, इनका हम पूरे 11 पौधों का बढ़िया से पोषण करेंगे इनका हम। लोकप्रिय जिला अध्यक्ष जी बजरंग शुक्ला जी, महामंत्री दलबीर माथुर जी, मेवाराम जी, जिले के अध्यक्ष मोनिका ठाकुर जी और कैलाश आर्य जी महामंत्री जिले के, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो आज हमारे वार्ड में जो 11 पौधे लगाए हैं, जो लोगों को ऑक्सीजन के लिए एक पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है और उसका पालन पोषण करना ज़रूरी है, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं अपने परम आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी की आदेश अनुसार ये दिल्ली में 5 लाख पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। हम अपने ज़िले के अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी के साथ मिलकर हमारे ज़िले के सभी पदाधिकारी, हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी एवं बूथ के पदाधिकारी सभी मिलकर पूरे अपने ज़िले में हम 35-40 हज़ार के आसपास वृक्षारोपण करेंगे और ये आज से स्टार्ट है और 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस तक हम ये कार्यक्रम करते रहेंगे। नमस्कार सर, प्रथम तो मैं CCN न्यूज़ का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए। और आज इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम के अवसर पर हम सबसे पहले स्वर्गीय अनेश जैन जी की स्मृतियों को नमन करते हैं, क्योंकि आज हमारी जो युवा टीम, वार्ड 53 की युवा मंडल टीम, हमारे महामंत्री साधुराम जी और हमारे भाई रॉकी जी, हम सब जो उनसे हमने सीखा, जो हमने कार्य करने की उनकी शैली को परखा, आज उसी का संज्ञान लेते हुए हम ये कार्यक्रम निरंतर वार्ड में कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि गर्मी की चिंता ना करते हुए किसी भी प्रकार की, चाहे 2 लोग हैं, चाहे 4 लोग हों, हमारी मंडल की टीम निरंतर पिछले कई दिनों से, चाहे वार्ड में सैनिटेशन का कार्य है, फॉगिंग का कार्य है, साफ सफाई का कार्य है, कर रही है। और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि हमारे स्वर्गीय अनेश जैन जी के सुपुत्र नीरज अनेश जैन जी, जो युवा मंत्री हैं, एक युवा नेतृत्व है, और मैं अक्सर कहता भी हूँ कि अच्छे लोग, अच्छा वार्ड, युवा नेतृत्व, उन्होंने कार्यालय में बैठना भी प्रारंभ कर दिया है, लोगों से मिलना भी प्रारंभ कर दिया है। और आज हमारे माननीय जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी का भी आशीर्वाद हमारी युवा टीम को मिला है, तो हम कामना करते हैं कि भविष्य में इस वार्ड में इसी प्रकार के अच्छे कार्य निरंतर होते रहेंगे। जय श्री राम। देखिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है और हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं और हम जमीन के नेता हैं, और जिसे कह सकते हैं सोशल वर्क करना। मैं RSS से हूँ
तो हमने तो पिछले साल भी लाखों की तादाद में वृक्ष लगाए थे और इस साल भी अपने संघ से वृक्ष लगेंगे, बीजेपी से भी लगेंगे और हमारी कोशिश है कि हर एक पौधे का एक सचिव हो जो उसकी रक्षा करे और दिल से करे, पानी से लेके वो पेड़ बन जाए। अभी हम पिछले पेड़ों में भी हमारे अभी तक के काफ़ी ज़्यादातर वृक्ष पेड़ के रूप में आ चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि और ऑक्सीजन बढ़े ताकि अगर थर्ड वेव आती है तो हमारे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा और बढ़े। इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हकीकत आप।